बताओ, हम बागेश्वर धाम के दर्शन करके जा रहे हैं चौड़ारेश्वर, और मेरे साथ है दिव्या मिष्टी चुटकी। देख सकते हो दोस्तों, काफी शानदार लोकेशन, भगवान महादेव एक प्राकृतिक जगह में फंसे हुए हैं। गाइस, हम चौड़ारेश्वर पहुंच चुके हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ पर मंदिर में, जहाँ आपको दर्शन करवाऊंगा भगवान महादेव चौड़ारेश्वर। तो दोस्तों, ये वो सीढ़ी जहाँ से ऊपर जाना है दर्शन के लिए। सामने है भगवान महादेव चौड़ारेश्वर, और दोस्तों ये यहाँ की खूबसूरत लोकेशन। हाय, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ऊपर चौड़ारेश्वर धाम। ये दोस्तों मंदिर, भगवान महादेव। और यहाँ पर एक बालिका गिरती है। जय श्री राम। बन गया वो तो। तो फाइनली दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम मंदिर प्रांगण में। भगवान शिवलिंग जहाँ विराजमान है, और अभी हम जल चढ़ाएंगे, फिर इसके बाद निकलेंगे दोस्तों। और ये हमारे पुजारी जी महाराज जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं भगवान भोलेनाथ की। तो नाम बता दीजिए। कमिल कोसर जी शर्मा, जो सभी को है अनिवार्य करवाना। दर्शन कर लिए भगवान महादेव के, और ये आपको दिख रहा होगा चौड़ारेश्वर महादेव। दोस्तों, ये चौड़ारेश्वर महादेव की खूबसूरत लोकेशन, जहाँ पर पीछे काफी स्पेस है भंडारे के लिए, देख सकते हो आप। देख सकते हो दोस्तों, सनसेट व्यू। और ये दोस्तों सामने दिख रहा है जो डैम, वो हमारे गांव का तालाब है जो काफी पास में दिख रहा है दोस्तों यहाँ से। और इधर सामने जो दिख रहा है श्री राम टेकरी तपोवन भूमि, और उसके जस्ट पास में ही दोस्तों हमारा गांव है देदला। तो काफी शानदार लोकेशन है दोस्तों। पापा, पापा। देख सकते हो दोस्तों भगवान चौड़ेश्वर, काफी प्राकृतिक स्थान है दोस्तों। और ये भी यहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आपको एक प्राचीन गुफा जिसको कैब बोलते हैं वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। ये एक छोटी सी कैब, इसको गुफा बोलते हैं। आ जाओ इधर से, बैठ के देख सकते हो यहाँ पर ये छोटी सी गुफा है, जिसमें संत भगवान
प्राचीन समय में तपस्या करते थे। और सामने दोस्तों आपको शिवलिंग दिख रहा होगा, चलो दर्शन कर लो बेटा। ओम नमः शिवाय।